ये सब मानना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे अपना कोई कमाल दिखाएंगे। वो आप लोग क्या हवा में उड़ सकते हैं? और वो दीवारों पर चलना, और वो पंजे वाला जोर का धमाका, फिर से कितनी बार कहा है कि घर में धमाके करना मना है? मुझे जाने दो। देखो वो लोग मुझे पगार नहीं देंगे, इसलिए मुझे अपने काम पर जाने दो। मैं जा रहा हूँ। तुम अपने इस हुनर से इतना डरते क्यों हो? कैसा हुनर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? मुझे जाने दो। लगता है ये पागल हो गया है। हमने कितने नौजवानों को देखा है, किसी में भी तो जैसी जी शक्ति नहीं। आज तुम जैसे जख्मी हुए हो, कोई आम इंसान होता तो मर ही जाता। अच्छा समझो, मान लिया। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो मुझे पंजे वाला धमाका आना चाहिए, दीवार पर चलना आना चाहिए, क्यों है ना? और आपकी तरह हवा में उड़ना आना चाहिए। वाकई बहुत अजीब सी जगह थी वो, उन लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, वही तो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा था। हाँ, मैंने उसको बताया था, पर आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है ना, तू बात तो कर ले उससे। या हाँ, पता नहीं ये अजीब सा धंधा कर रहा है। ओह माय गॉड, पता नहीं वो क्या कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो पागल हो गया। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे घर पास में ही, अगर जरूरत हो तो बुला लेना। पता नहीं कौन था, वो क्या चाहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखा था, पर कभी कभी ची शक्ति का प्रवाह खोलने के बाद वो अपने आप असर दिखाती है। हाँ। शायद उसकी शक्ति नहीं थी, मैंने वहाँ पंजे वाला कर्तव्य किया था। आपने उसे खिड़की की ओर क्यों किया? खिड़की का कांच टूट गया है ना। खिड़की नहीं, दीवार की ओर किया था। पागल हो, चोरों को तो पकड़ नहीं सकते, और चले हो मिनिस्टर को जुर्माना करने। तुम अपने आप को समाज सुधारक समझते हो क्या? हाँ। ठीक है, दूर करो इसे मेरी नजरों से, ले जाओ इसे। चलो 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 चलो। शुक्रिया सर। वाह, क्या ये वाकई में पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है? मगर फायदा क्या, किसी ने नहीं देखा। अब कौन मानेगा कि दिन दहाड़े तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था और तुम दिन भर बेहोश थे? लेकिन कल जब मैं ड्यूटी पर था तो बात को समझो सांगवा, दौड़कर फर्ज निभाना बहुत जरूरी है, पर तब दौड़ो जब आसपास के लोगों की नजरें तुम्हें देख रही हो। असल में कल मैं उसे पकड़ने के लिए वहाँ दारू क्लब में मारधाड़ की खबर मिली है, उस एरिया के ऑफिसर तुरंत वहाँ पहुँचे। ठीक तो हो ना? देखो तो कौन है, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं। ओह मिस्टर गैंग, मैं सोच रहा था कि कौन फिर से इलाके में गड़बड़ कर रहा है, क्यों मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो? अरे छोड़, वैसे कहाँ है तू आजकल? काम में बिजी था, और कोई बात हो तो मुझे सीधे फोन किया करो, ये रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है। अरे जाने दो उन सब बातों को, जाने दो। सो
हम लोग तहकीकात शुरू करें? हाँ अभी नहीं, करते हैं करते हैं। तो मिस्टर गैंग, ये मामला तो अब सुलझ गया ना? ओ हाँ 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 भाई, कभी अपने लड़कों को लेकर हमारे क्लब में जरूर आना, हमें भी तुम्हारी सेवा करने का मौका मिले। जरूर। खैर मैं चलता हूँ, आगे का संभाल लेना। हाँ, और मिस्टर गैंग आइंदा इतना हाँ, शोर नहीं होना चाहिए, ख्याल। हाँ हाँ ख्याल रखेंगे, बाद में मिलते हैं। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। सुनिए सर, हम बिना पूछताछ किए कैसे जा सकते हैं? मेरी बात सुनो, अगर हमने यहाँ ज्यादा दखल अंदाजी की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ गए? चलो आओ। मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाइए प्लीज। क्या कहा तूने? मैंने कहा कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ। जिसका दिमाग खराब हो गया क्या? हड्डियां तोड़ दूं साले। रुकिए एक मिनट मिस्टर गैंग, ये लड़का नया है, ये तुम्हारे बारे में जानता नहीं है। तुमने मेरी खोपड़ी फिरा दी है, क्या ट्रेनिंग देते हो? लेकिन ये नहीं, क्या ट्रेनिंग देते हो इन लड़कों को तुम? अरे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और अभी ना सर, आप इन सड़क छाप गुंडों से डर के आप मेरे लिए उनसे माफी मांग रहे हो? क्या बोला साले? देखिए मिस्टर गैंग, मैं इसे क्या कहा तूने अभी? उनसे आप माफी मांग रहे हो मेरे लिए? उससे पहले साले, आप उनसे डरते हो क्या? हाँ उससे भी पहले। अरे तुम हटो, मुझे बात करनी है। सड़क छाप गुंडे, इतनी हिम्मत? खुद को समझते क्या तुम? अबे नाली के कीड़े, घुटने के बल बैठ साले, सुना नहीं क्या? छोड़ दो मिस्टर गैंग, मत मारो। उल्लू की तुम, तुझे लगता है कि हम दूध पीते बच्चे हैं? तुझे लगता है कि हम सड़क छाप गुंडे हैं? उठाओ से। मुझे जाने दो। सुनो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तू सवाल पूछेगा मुझसे? हाँ ऐसे घूरेगा मुझे? घूर घूर सारे, बोलता हूँ घूर घूर, घूरता है घूरता है, घूरेगा घूरेगा घूरेगा। हाँ साले, घूर घूर मुझे, घूर 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 और घूर 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 और घूर घूर मुझे, घूर 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 साले बदतमीज, घूर 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 घूर। वर्दी को रौब दिखा रहा, शर्म होता साले। हाँ मर गए, मर। हाँ हाँ बोल, घुरेगा और घुरेगा। बोल बोल मच्छर, बोल साले कभी नहीं। चल जूता साफ कर। साफ कर, बोला ना साफ कर, अपनी जबान से साफ कर। क्यों मेरा जूता गंदा है? हाँ देखो सांगवा, ये दुनिया बहुत बेरहम है, बात को ज्यादा खींचोगे तो खुद ही उलझ जाओगे। जो भी हो उसे भूल जाओ, चलो एक एक जाम हो जाए। तुम्हें चुप रहने का हक है, तुम्हें अपना वकील चुनने का हक है। जो मुझे गलत लगता है मैं उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। उन्होंने मुझे मारा, ये गलत था, बहुत गलत था। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्या हो रहा है ये? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम नशे में हो क्या? देखो ऑफिसर, तुम अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हो। हाँ।
गुंडों से मार खाना अब तुम्हें बंद करना होगा। जी सर। तुम ठीक हो ना? हाँ। कल सुबह टाइम पे आ जाना। शुक्रिया सर। हाँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो?